आजमगढ़ एयरपोर्ट को लेकर एक अच्छी खबर है। आजमगढ़ के लालगंज लोकसभा सीट से सांसद संगीता आजाद द्वारा प्रधानमंत्री से मिलकर आजमगढ़ से दिल्ली के लिए वंदे भारत ट्रेन चलाने और मंदूरी हवाई अड्डे से लखनऊ, दिल्ली के अलावा अन्य शहरों तक परिवहन संचालन के बारे में मांग पत्र सौंपा। सांसद संगीता आजाद ने बताया, शीतकालीन सत्र के दौरान माननीय प्रधानमंत्री जी से मुलाकात का मौका मिला और मिलकर आजमगढ़ के विकास के लिए आजमगढ़ से दिल्ली के लिए नई वंदे भारत ट्रेन एवं मंदूरी हवाई अड्डे से आजमगढ़ से दिल्ली, मुंबई, कोलकाता के लिए हवाई जहाज चलाने की मांग पत्र द्वारा सौंपा और प्रधानमंत्री जी ने आश्वासन भी दिया। मुझे विश्वास है कि आजमगढ़ की जनता की अपेक्षाएं शीघ्र पूरी होंगी। आपको बता दें कि आजमगढ़ मंदूरी एयरपोर्ट के नए निदेशक ने मुकेश यादव ने कार्यभार ग्रहण कर लिया। निदेशक ने बताया कि DGCA नागरिक उड्डयन महानिदेशालय से 19 सीटर विमान के उड़ान का लाइसेंस जारी किया गया है। उन्होंने बताया कि पूर्व में फ्लाइंग विंग्स कंपनी बिग चार्टर कंपनी ने हवाई जहाज सेवा शुरू करने के लिए टेंडर डाला था, उसका क्या हुआ पता नहीं। अभी जब तक किसी भी विमान कंपनी की टेंडर प्रक्रिया पूरी नहीं हुई। टेंडर प्रक्रिया पूरी होने के बाद रूट निर्धारित किया जाएगा, उसके बाद ही उड़ान शुरू होगी। रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम के तहत मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की महत्वाकांक्षी परियोजनाओं शामिल में मंदूरी एयरपोर्ट से हवाई जहाज की सेवा शुरू करने की अंतिम दौर में है। मंदूरी एयरपोर्ट के नवनियुक्त निदेशक मुकेश कुमार यादव ने मंगलवार को आजमगढ़ एयरपोर्ट पहुंचे। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।